आज 9/11 है और 9/11 का जिक्र होते ही लोगों को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए आतंकवादी हमले की याद आती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले लोगों से आप पूछेंगे कि 9/11 का मतलब क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि आज से 127 वर्ष पहले 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व इतिहास का सबसे चर्चित भाषण दिया था और उस वक्त स्वामी विवेकानंद की उम्र 37 वर्ष थी। जहां खड़े होकर स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारत का आध्यात्मिक संदेश दिया था, आज उस जगह के बारे में भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो विश्लेषण से पहले हमारे आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपके परिवार में कोई युवा है तो उसे इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट देश के हर युवा की सोच बदल सकती है। शिकागो में ठीक 127 साल पहले इसी हॉल में खड़े होकर स्वामी विवेकानंद ने हजारों की भीड़ के बीच दुनिया को भाईचारे का पैगाम दिया था। 127 साल में दुनिया बदल गई, लेकिन ये हॉल आज भी वैसा ही है जैसा 11 सितंबर 1893 को था। और उस भाषण में कही गई एक एक बात भी आज उतनी ही जरूरी है जितनी 127 वर्ष पहले थी। 21वीं सदी में आतंक और दहशत के माहौल के बीच शायद स्वामी विवेकानंद के संदेश का महत्व कोई समझता नहीं है, लेकिन एक बात है जो अमेरिका के हर नागरिक को याद है और वो ये कि भारत के एक सन्यासी ने 127 वर्ष पहले उनकी सोच बदल दी थी। 127 वर्ष पहले दिया गया वो भाषण सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि उसे देने वाला एक हिंदुस्तानी था, बल्कि उसके मायने इसलिए भी अहम हैं क्योंकि एक समाज के तौर पर अमेरिका को स्वामी विवेकानंद से बहुत कुछ मिला है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा क्या था जिसने 30 साल की उम्र में एक सन्यासी को स्वामी विवेकानंद बना दिया, और इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2,789 किलोमीटर और स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली कोलकाता से लगभग 2,350 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसे भारत के अंतिम शहर कन्याकुमारी जाना जरूरी है। ये कन्याकुमारी की वही पावन धरती है जहां पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करते करते स्वामी विवेकानंद 25 दिसंबर 1892 को यहां पहुंचे थे। विवेकानंद की निगाहें समुद्र में स्थित उन शिलाओं पर पड़ी जहां माता पार्वती ने अपने कन्या देवी के रूप में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद को उस वक्त लगा कि जब तक वो इन शिलाओं पर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनकी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। उस वक्त स्वामी विवेकानंद के पास समंदर के बीच में मौजूद शिलाओं तक पहुंचने के लिए नाम वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो ठान चुके थे कि उन्हें ध्यान और ज्ञान के लिए शिलाओं तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तैर कर तय की। अपने साहस, विवेक और बहादुरी का परिचय देते हुए स्वामी विवेकानंद ने 25 दिसंबर 1892 से 27 दिसंबर 1892 तक इन्हीं शिलाओं पर देवी का ध्यान किया। 3 दिन और 3 रात लगातार ध्यान के बाद स्वामी विवेकानंद को अपनी जिंदगी का मकसद मिला और वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और आध्यात्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। कन्याकुमारी में मौजूद उस शिला पर ध्यान का असर ही था कि स्वामी विवेकानंद ने सहनशील भारत की तस्वीर शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया को दिखाई और भारत के सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले स्वामी विवेकानंद आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसा महापुरुष जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जिसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम था और आज पूरे देश के इस महापुरुष के विवेक से शिक्षा लेने की जरूरत है।